तो आज मैं आ गई हूँ दूसरी रेसिपी लेके, जिसे हम फेस्टिवल के टाइम पे ज़रूर बनाते हैं। तो आने वाला है दिवाली, दिवाली के टाइम पे इस रेसिपी को ट्राई करिए और अपने घर वालों को खुश करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं एक रेसिपी फिर से लेके आई हूँ, जो है आलू की कचौड़ी। कचौड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए बॉइल्ड आलू, तो उसके लिए हमने कुकर में आलू को रख दिया है और अब इसमें हम आलू को बॉइल करेंगे। बॉइल हो गए हैं और जब तक आलू ठंडा होता है तब तक हम थोड़ा मसाले की तैयारी करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए प्याज, लहसुन, हरी मिर्च। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज, थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्च और ये अदरक का टुकड़ा कर लिया है। इसको हम चॉपर में अच्छे से बारीक कट कर देंगे। तो मेरे पास इस टाइप का चॉपर है और ये हैंड से हम लोग चलाते हैं और ये बहुत अच्छे रेट में मैंने अभी ऑनलाइन में ख़रीदा है। और अगर आप लोगों को भी इस तरीके का चॉपर चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से आप इसको परचेस कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा वर्क करता है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसका ढक्कन हम लोग लगा देंगे और ये यहाँ पे एक थ्रेड होता है, इसको खींचेंगे तो देखिए बहुत अच्छे से वर्क करता है और बहुत जल्दी इसमें काम हो जाता है। अगर आपको भी कुछ इस तरीके का चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से आप इसको खरीद सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप ये कितना बारीक हो गया है। तो इसी तरीके से अगर आपको भी ये खरीदना है तो आप इसको इजीली खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू छील लिए और अब इसमें मिक्स करते हैं जो हमने ये प्याज, लहसुन, हरी मिर्च को और अदरक को हमने बारीक किया था। आलू में प्याज सबसे में एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे मसाले। मसाले में हम सबसे पहले डालेंगे नमक, धनिया, हल्दी एंड यहाँ पे डालेंगे कस्तूरी मेथी। आप यहाँ पे थोड़ा सा अजवाइन भी डाल देंगे क्योंकि क्या होता है ना, इसको थोड़ा डाइजेस्ट करने में इजी हो जाता है। एंड अब हम मिर्च हम इसमें स्किप करेंगे क्योंकि बच्चे भी खाएंगे। तो हम इसमें एक तो हमने ऑलरेडी हरी मिर्च हमने यहाँ पे बारीक कट करी है तो इसलिए हम, अगर आपको और चटपटा चाहिए तो आप इसमें इजीली डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर। और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो यहाँ पे ये हमारा मसाला, थोड़ा हमने इसको मैश कर लिया आलू को और ये इसके साथ मसाला भी पूरा मिक्स हो गया है। और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो रेडी हो गया है। अब इसको बस हमें एक स्टेप और करना है और फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा कचौड़ी बनाने के लिए। यहाँ पे हमने लिए कढ़ाई, उसमें डाला है हमने तेल। तेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आप खाते होंगे और हमें ज़्यादा तेल भी नहीं डालना है। बस यहाँ पे हो गया है तेल गर्म और हम इसमें डालेंगे धनिया के बीज। इसको भी हम थोड़ा तड़कने देंगे फिर ही हम इसमें मसाला डालेंगे। अब हम डालेंगे मसाला। अब हमने डाल दिया इसमें जो भी मसाला हमने तैयार किया था और मसाले हमने सारे इसमें डालने हैं, हरी मिर्च वगैरह, नमक वगैरह। तो हमें मसाला कुछ नहीं डालना है, बस इसको थोड़ी देर इसी तरीके से फ्राई करना है ताकि जो तड़का था वो उसकी स्मेल के अंदर अच्छे से आ जाए।
चलिए अब गैस को कर देते हैं बंद और इसको भी होने देते हैं थोड़ा सा ठंडा। तो जब तक हमारा मसाला ठंडा होता है तब तक हम आटे को रेडी कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई में एक तेल रख दिया है और इसको गर्म होने देते हैं और हम इधर अलग से इसको कचौड़ी है जो उसको तैयार कर। तो यहाँ पे क्या है हम ऐसे लेंगे। अगर आपको लगता है ये थोड़ा चिपक रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा तेल भी लगा सकते हैं। आप इसको ऐसी शेप बना दीजिए कि मतलब एक ये शेप बन जाए कि इसके अंदर हम मसाला डाल सकें। इस तरीके से हम इसको करेंगे। और यहाँ पे हम मसाला लेंगे, मसाले को इसके अंदर भर देंगे और अब इसको कर देंगे बंद। अब इसको हम अच्छे से करेंगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा और आपका ये इसको बेलने में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। वैसे कचौड़ी को ज़्यादा बेलने में दिक्कत आती नहीं है क्योंकि हम इसको बड़ा नहीं करना है, छोटा ही रखना होता है। तो इसको जो बेलने का तरीका है, जैसे हमने यहाँ पे गोला कर दिया, इसमें आटा लगाने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे ऐसे करके इसमें थोड़ा सा तेल लगाइए, फिर इसको हम ऐसे करेंगे तो क्या है ना ये आराम से बेल जाएगा। और हल्के हाथ से हमें इसको प्रेस करना है और देखिए ये फटेगा भी नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से बेल चुका है। तो यहाँ पे तेल हो गया है गरम, अब हम इसको डालेंगे। इसी तरीके से हम सारी कचौड़ियों को आराम से तल देंगे। ये देखिए ये थोड़ी ब्राउन होने लगी है तो मतलब हमारी जो कचौड़ी है वो तैयार हो गई है। बस इसको हम निकाल देंगे और इसी तरीके से हम सारी कचौड़ियाँ बनाएंगे। ये बनके बिल्कुल रेडी हो गया। इसी तरीके से का आप नाश्ता बनाइए और बिल्कुल घर वालों को खुश करिए। इसको आप चाहे दही के साथ, चाहे सॉस के साथ, चाहे आप चाय के साथ, किसी के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी होने वाला है। और इसको आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।